हाय गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो अब जो ये नए रूल्स आए हैं ये पहले से काफ़ी अलग हैं और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो अगर आपका खाता इस बैंक में है तो आपको इनको जानने की ज़रूरत है। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दे रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइएगा। हाय गाइस, दिस इज कृष्णा एंड आप देख रहे हैं हिंदी टेक ट्यूटोरियल। और आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स में चेंजेस आए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इनके बारे में बता दूँ कि अभी जो चेंजेस आए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी मेट्रो सिटी में है तो आपके अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपये होने जरूरी हैं मिनिमम बैलेंस। और अगर आपका मेट्रो सिटी में नहीं है, किसी भी अदर सिटी में है, तो कम से कम 3,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आपका किसी कस्बे में है तो आपके अकाउंट में कम से कम 2,000 रुपये होना ज़रूरी है। और अगर किसी गांव में है तो कम से कम 1,000 रुपये मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ में ए टी एम के जो यूज़ के जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो ATM आप यूज़ करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM आप महीने में 3 बार फ्री यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप अदर बैंक का ATM यूज़ करते हैं तो वो भी महीने में 3 बार फ्री है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो उसमें आपको महीने का 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में मंथली जो बैलेंस है वो कम से कम 25,000 रुपये है तो आप ATM का यूज़ कितने भी बार करेंगे तो आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा। इसके साथ साथ में अकाउंट में डिपॉजिट करने की जो बात है, अगर आप 3 बार से अधिक बैंक में जाकर के पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपके 50 रुपये पर डिपॉजिट पे चार्ज कटेंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिल सके, और इसी के लिए शायद उन लोगों ने इस तरह का रूल अपनाया है। तो अगर आप कैशलेस तरीके से जमा करवाते हैं पैसा तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप अकाउंट में जाके डिपॉजिट करेंगे तो 3 बार से अधिक जाने पे आपको 50 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। साथ ही SMS के चार्जेस में भी बदलाव आए हैं। SMS के चार्जेस जो हैं आपको 15 रुपये SMS चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपके अकाउंट में मिनिमम 25,000 से कम है तो आपको देने पड़ेंगे, 25,000 के ऊपर बैलेंस है तो नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह से कुल मिला के अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये का बैलेंस है तो आप कोई भी ATM यूज़ करो और कोई भी अदर तरीके का ट्रांजेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटने हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 25,000 से कम है तो आपको इस तरह के चार्जेस कटेंगे। तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी तो मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने इसको बताया। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी मालूम चले।